अब देख रहे हैं खबरदार और इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर आपको दे देते हैं। टीम इंडिया ने साल 2019 को जीत के साथ अंजाम तक पहुंचाया है। साल के आखिरी मुकाबले में भारत ने कटक वनडे में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से मात दे दी है। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर ली है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 316 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, उन्होंने 85 रन बनाए, इनमें 9 चौके भी शामिल रहे हैं। इस तस्वीरें आपके सामने है, शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया का, और इसी के साथ हिंदुस्तान ने लगातार 4थी बार साल की आखिरी वनडे सीरीज को अपने नाम करके एक अलग तरह का रिकॉर्ड कायम किया है। भारत ने 4 विकेट से वेस्टइंडीज को हरा दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला था, जिसको टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया, और इसी के साथ लगातार 4थी बार साल की आखिरी वनडे सीरीज जीतने के इस मौके को भी टीम ने नहीं गवाया। आपको बताते चले, सीरीज 1-1 से बराबरी पर थी, लेकिन आज का मुकाबला करो या मरो का और शानदार प्रदर्शन यहां पर न सिर्फ कप्तान की ओर से दिखाया गया, बल्कि बाकी खिलाड़ियों ने भी पूरा दम लगाया, जिसके बाद इस मुकाबले को टीम इंडिया ने आसानी से अपने नाम कर लिया। भारत को पिछली बार अपने ही घर में इसके पहले भी हमने देखा था कि इस तरह का प्रदर्शन शानदार तरीके का टीम इंडिया का रहा था, और यही कारण है कि लगातार ये 4थी बार है, 4 बार से लगातार ऐसा हो रहा है कि जब टीम इंडिया ने साल के आखिरी महीने के आखिरी इस मुकाबले का अंत इतने शानदार तरीके से किया हो, 4 विकेट से वेस्टइंडीज की टीम को टीम इंडिया ने मात दे दिया, जिसके साथ ही भारत का 2-1 से इस सीरीज पर कब्जा हो गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।